एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्रैक्टिकली कैसे पता लगा सकते हैं जो बीजीएल वोल्टेज होता है क्या क्या कंपोनेंट लगा है, कैसे फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इससे पहले मैं पार्ट वन बना चुका हूँ। अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। पार्ट टू है बीजीएल जो वोल्टेज होता है उसको प्रैक्टिकली हम कैसे ट्रेस कर सकते हैं, उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा है, कैसे ट्रेस करें, बीजीएल वोल्टेज नहीं बन रहा है उसको कैसे फॉल्ट फाइंडिंग करें, पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए देखिए पूरा डिटेल आप लोगों को वीडियो देखने को मिलेगा। चलिए देखिए प्रैक्टिकल वीडियो। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है मल्टीमीटर का डिस्प्ले है जो मैंने बजर रेंज डायड रेंज में रख दिया है। बजर रेंज में आप लोगों को चेक करके दिखाएंगे, यहाँ पर बीजीएल का टेस्ट पॉइंट है और ये 6 पिन की आईसी है, ये जो है डीसी टू डीसी आईसी है। कैसे बीजीएल वोल्टेज जो होगा इस 6 पिन आईसी से बनेगी, इससे पहले मैं थ्योरी बना चुका हूँ। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। आज प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाएंगे ये जो बीजीएल वोल्टेज बनता है 6 पिन आईसी में क्या क्या कंपोनेंट लगा है, कैसे ट्रेस कर सकते हैं कि डीसी टू डीसी आईसी तक इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा है, कैसे ट्रेस करेंगे। देखिए ट्रेस करने के लिए मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखना होगा, जो एक प्रोब होगा हम बीजीएल टेस्ट पॉइंट पर रखेंगे और जो दूसरा प्रोब होगा हम टच करके देखेंगे, जो अगल बगल कंपोनेंट लगा होगा टच करके देखेंगे किस कंपोनेंट पर बीप की आवाज देता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बीजीएल टेस्ट पॉइंट से एक रजिस्टर लगा है, यह 0 ओम का है, इससे ये कनेक्ट है। अब देखना होगा और कहीं बीप देता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक रजिस्टर और लगा है, यहाँ पर बीप देता है। अब देखना होगा जो इसका दूसरा सिरा है कहीं ग्राउंड तो नहीं है। देखिए ग्राउंड है, यानी ये जो रजिस्टर लगा है और ये 0 ओम का रजिस्टर लगा है, यहाँ से आकर सीधे बीजीएल वोल्टेज बन रहा है। अब देखना होगा फिर बीजीएल टेस्ट पॉइंट से किस कॉम्पोनेंट पर बीप की आवाज देता है, जितना कॉम्पोनेंट लगा होगा उसी तरीके से हम चेक करेंगे। देखिए इधर कहीं कंपोनेंट में बीप की आवाज नहीं देता है। अब देखना होगा ये जो आईसी लगा है इसके पिनों पर कहीं बीप की आवाज देता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस कंपोनेंट के इस पिन से बीप की आवाज देता है, यानी जो ये आईसी लगा है जो बीजीएल वोल्टेज बन रहा है इस पिन से निकल रहा है। अब देखना होगा इस पिन से जो निकल रहा है इसके बीच में कौन कौन सा कंपोनेंट लगा है। और देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये जो आईसी है एक यहाँ पर कैपेसिटर लगा है। अब देखना होगा इसका दूसरा सिरा कहीं ग्राउंड तो नहीं है, ये ग्राउंड है। इससे ये स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर जो बीजीएल वोल्टेज का रास्ता है ये प्योर डीसी बनाकर यहाँ बीजीएल वोल्टेज का निर्माण कराएगा, कोई रिपल बचेगा तो प्योर डीसी स्टोरेज करके यहाँ बीजीएल वोल्टेज का निर्माण कराएगा, यानी इस पिन से बीजीएल वोल्टेज निकल रहा है। इससे ये पता चल सकता है कि इस पिन से, इस आईसी के पिन से अगर बीजीएल वोल्टेज निकल रहा है, जो ये डीसी टू डीसी आईसी होगा, डीसी टू डीसी आईसी के द्वारा जो यहाँ बीजीएल वोल्टेज आएगा इसी आईसी के द्वारा यहाँ बीजीएल वोल्टेज बनाया जाएगा। डीसी टू डीसी आईसी से इसी आईसी पर जो भी आना होगा वोल्टेज सिग्नल इसी पर आएगा, इससे ये पता चल सकता है। अगर इससे आउट होता है तो इससे ये पता चलेगा कि इसमें इनपुट होगा, इनपुट होने के बाद यहाँ पर आउट होगा। ये तो पता चल गया कि ये जो पिन है कि इस टेस्ट पॉइंट से बीप देता है, ये किस पिन से कनेक्ट है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा है। देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, देखेंगे इस कैपेसिटर पर बीप देता है, देखिए बीप देता है। इससे ये पता चल गया कि यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर का दूसरा सिरा ग्राउंड है, देखिए बीप की आवाज देता है। और देखना होगा ये जो पिन है ये पिन किससे आवाज देता है, देखिए ये दो पिन आपस में जुड़ा हुआ है, जो एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये जो कैपेसिटर है ये ग्राउंड है। इसमें जो 3 पिन था, एक पिन जो डायरेक्ट बीजीएल वोल्टेज निकल रहा है और ये जो 2 पिन है आपस में जुड़ा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा है, जो कैपेसिटर से लगकर यहाँ पर ग्राउंड हुआ है। अब देखना होगा ये जो इधर की पिन है इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा है, इस पिन से देखेंगे किस कंपोनेंट पर बीप की आवाज देता है। देखिए इस पर भी बीप की आवाज देता है, इससे ये पता चल गया कि ये जो 2 रजिस्टर है इस पिन से कनेक्ट है, ये किस कंपोनेंट से बीप की आवाज देता है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है, इस रजिस्टर से बीप देता है। अब देखना होगा इसका दूसरा सिरा जो है ग्राउंड तो नहीं है, ग्राउंड नहीं है। अब देखना होगा ये आईसी के कहीं पिनों से बीप की आवाज देता है,
देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस आईसी से यहाँ पर आया और इस आईसी के पिन से आने के बाद जो है ग्राउंड नहीं है, यह सीधा ये आईसी के पिन पर आ रहा है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि इस पिन से ये रजिस्टर से होते हुए यहाँ कनेक्ट हो रहा है। अब देखना होगा आईसी के पिन से कनेक्ट है, अगर आईसी के पिन से कनेक्ट होगा तो इससे ये पता चल जाएगा ये जो आईसी होगी, आईसी से जो बीजीएल वोल्टेज यहाँ पर बनाया जा रहा है वो आईसी चेक कर सकती है यहाँ से जो वोल्टेज मिनिमम बनना था बन रहा है कि नहीं। अगर इस रजिस्टर से डीसी टू डीसी आईसी पर बीप की आवाज देता है तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये फीडबैक सेक्शन हो सकता है जो मेंटेनेंस करने के लिए देखेगा। इस रजिस्टर से यहाँ वीप की आवाज देता है, इससे यह स्पष्ट हो सकता है ये आईसी जो होगी चेक करेगी जो बीजीएल वोल्टेज यहाँ बन रहा है कि नहीं। अब देखना होगा ये जो पिन है ये पिन किस आईसी से कनेक्ट है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है यहाँ कैपेसिटर लगा, इस कैपेसिटर से वीप देता है। अब देखना होगा इसका दूसरा सिरा कैपेसिटर का कहीं ग्राउंड तो नहीं है, देखिए ग्राउंड नहीं है। अब देखना होगा ये कैपेसिटर डायरेक्ट आईसी पर वीप देता है, देखिए वीप की आवाज नहीं देता है। इससे ये पता चल गया कि हो सकता है इसमें कोई और कंपोनेंट लगा हो इसके बीच में, तो कंपोनेंट खोजेंगे। अब देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वीप की आवाज देता है, यहां पर एक कैपेसिटर लगा है, इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर पर वीप देता है, तो हो सकता है चार्जिंग पंप वाला कैपेसिटर ये हो। दूसरा सिरा है कहीं ग्राउंड तो नहीं है, देखिए ग्राउंड नहीं है। अब देखना होगा डीसी टू डीसी आईसी से कनेक्ट है, वीप की आवाज देता है, यानी इस कैपेसिटर से वीप की आवाज देता है, और ये जो दूसरा इसका सिरा है ग्राउंड नहीं है, और ये जो इसका दूसरा सिरा है इस कैपेसिटर से जुड़ा हुआ है, और इसका जो दूसरा सिरा है ग्राउंड नहीं है, आईसी से जुड़ा हुआ है। इससे ये पता चल गया कि ये चार्जिंग पंप कैपेसिटर है, यानी ये जो सीरीज में लगा हुआ है, यानी ऑन ऑफ कराकर यहाँ से बीजीएल वोल्टेज होगा उस हिसाब से यहाँ बीजीएल वोल्टेज बन जाएगी, बीजीएल वोल्टेज नहीं बन रही है। तो हमको क्या क्या देखना होगा, यहाँ देखिए एक जीरो ओम का रजिस्टर है, इसको चेक करना होगा, हो सकता है इसमें प्रॉब्लम हो। अगर बीजीएल वोल्टेज नहीं बन रही है तो इसको देखना होगा ये आईसी कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बीजीएल वोल्टेज नहीं बन रहा है इस रजिस्टर को चेक करना होगा, क्योंकि यहाँ मिनिमम जो वोल्टेज बनना है इस रजिस्टर से बनेगा नहीं, तो आईसी को फीडबैक जो मिलना है नहीं मिलेगा, क्या होगा ये बीजीएल वोल्टेज नहीं बनेगा। और अगर बीजीएल वोल्टेज नहीं बन रहा है कैपेसिटर को चेक करेंगे, हो सकता है ये जो चार्जिंग पंप कैपेसिटर सीरीज में लगा है इसमें प्रॉब्लम हो। अगर बीजीएल वोल्टेज नहीं बन रहा है या डीसी टू डीसी आईसी है इसमें प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगर ये ऑन ऑफ नहीं कराएगा यानी इस कैपेसिटर को चार्ज नहीं करेगा तो क्या होगा, अगर सीरीज में लगा कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो बीजीएल वोल्टेज नहीं बनेगा, हो सकता है डीसी टू डीसी आईसी खराब हो। हमको क्या करना होगा, स्टेप बाय स्टेप चेक करके हम पता लगा सकते हैं, इस तरीके से हम प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं। मेरा हर चीज पर वीडियो बन चुका है, यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं।